अगर कोई छिपाने की बात नहीं है तो रोकने की बात क्यों होनी चाहिए। कल जब घटना हुई 3 दिन पहले वहाँ पर खेरवाड़ा में, तो जो 3 नेता गए बीजेपी के, तो हमने तो रोका नहीं उनको, जाके पता करो वास्तव में क्यों हुई घटना। ये विपक्ष का काम होता है। आज वास्तव में घटना हो रही है, वो लोग कई लोग टिप्पणी करते हैं कि प्रियंका जी राहुल जी यहाँ क्यों नहीं आते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, आप या विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली से नेता को बुलाओ। हम अलाउ करेंगे कोई बड़े बीजेपी के नेता बड़े से बड़े आए हैं पुलिस प्रोटेक्शन में, अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो वहाँ जा रहे हैं यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। वो तो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी बात पर विश्वास करते हैं, हम रिपोर्ट भेजते हैं, पर विपक्ष के नेता आए वो क्यों नहीं आ रहे हैं। उनको अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जैसे वो निभा रहे थे प्रियंका गांधी जी और राहुल जी। तो ये उनका तर्क बिल्कुल ही बेहूदा तर्क है। भाजपा और विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम गहलोत। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने की हो रही थी कोशिश। सीएम ने कांग्रेस नेताओं को हाथरस जाने से रोकने और दुर्व्यवहार की निंदा। सीएम गहलोत के जवाब ने विरोधियों का बंद किया मुंह। भाजपा नेताओं को दी सीधी चुनौती। इन दिनों भाजपा राजस्थान सरकार को प्रदेश में पिछले दिनों सामने आए दुष्कर्म के मामलों को लेकर घेरने में लगी हुई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने दो टूक कहा कि जब डूंगरपुर खेरवाड़ा में उपद्रव हुआ था तो उसके बाद वहां के प्रभावित परिवारों के हालातों को और घटना के कारणों का पता लगाने भाजपा के कुछ नेता वहां गए थे, उन्हें तो नहीं रोका गया। फिर ऐसा क्या वजह रही कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोका गया? मैं तो ये उल्टा ही कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना है, डेमोक्रेसी के अंदर कोई नेता जाना चाहता है, वो राष्ट्रीय स्तर का नेता और मुख्य विपक्षी दल के नेता जाए, तो अगर कोई छिपाने की बात नहीं है तो रोकने की बात क्यों होनी चाहिए। कल जब घटना हुई 3 दिन पहले वहाँ पर खेरवाड़ा में डूंगरपुर की तरफ, तो जो 3 नेता गए बीजेपी के, मदन दिलावर जी गए और इनके नेता गए साथ में, तो हमने तो रोका नहीं उनको, अभी जाके पता करो वास्तव में क्यों हुई घटना। ये विपक्ष का काम होता है। आज राजस्थान में कोई घटना होती, घटना कहीं हो सकती है, पर घटना होने के बाद में कार्रवाई करना दूसरी बात है और लापरवाही करना दूसरी बात है। जो लापरवाही हाथरस में की गई, रात को 2 बजे आप बच्ची के अंतिम संस्कार कर दो, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। वहीं विपक्ष की ओर से राजस्थान में पिछले दिनों हुई घटनाओं के मामले में प्रियंका और राहुल गांधी को प्रदेश में आने की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल और प्रियंका जी हाथरस विपक्ष के नेता के रूप में जा रहे थे, आप यहां दिल्ली से अपने नेताओं को बुलाओ, हम उन्हें ना सिर्फ अलाउ करेंगे बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे, ताकि जैसा दुर्व्यवहार हाथरस में प्रियंका और राहुल गांधी के साथ किया गया उस तरह की बात यहाँ ना हो। आज रास्ता में घटना हो रही है, वो लोग कई लोग टिप्पणी करते हैं कि प्रियंका जी राहुल जी यहाँ क्यों नहीं आते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, वहाँ वो विपक्ष के नेता के रूप में जा रहे थे, आप या विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली से नेता को बुलाओ, हम उनका अलाउ करेंगे। रास्ता में घटना तो दुनिया भर में देश भर में होती है, हम अलाउ करेंगे कोई बड़े बीजेपी के नेता बड़े से बड़े आए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरह, वो 12 में जाए, भिवाड़ी में जाए, कहीं जाए, हम उनको अलाउ करेंगे जाने के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन में अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो वहाँ जा रहे हैं यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। पर विपक्ष के नेता आए वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जैसे वो निभा रहे थे प्रियंका गांधी जी और राहुल जी। तो ये उनका तर्क बिल्कुल ही बेहूदा तर्क है। इस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने का मौका तलाश रही बीजेपी को करारा जवाब दिया और उन विरोधियों का मुंह भी बंद कर दिया जो बार बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के राजस्थान में आने की मांग कर रहे थे।